टर्म इंश्योरेंस कितना जरूरी है ये आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। हम बाकी जगह तो इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम सीरियस नहीं होते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस जिसमें हम कम प्रीमियम पे करके मैक्सिमम कवरेज ले सकते हैं, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कितने सालों के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस लेते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर क्या हर कोई ले सकता है, ये भी हम समझेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आपको शायद आपको किसी ने वीडियो में नहीं बताया होगा। आज के समय में जिस हिसाब से बीमारियां फैलती जा रही हैं, आदमी की जो एज है, लाइफ की एज है, वो कम होती जा रही है। आज से कुछ टाइम पहले, 10-15 साल पहले, 20 साल पहले आप देखें तो जो मैक्सिमम एज थी, जिस एज तक आदमी सर्वाइव करता था, जीता था, वो एज 70 साल, 80 साल, 90 साल, यहां तक कि 100-100 साल तक व्यक्ति जी सकते थे। लेकिन आज के समय में हमारा खान पान इस तरीके का हो गया है जिसको कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस हमारी लाइफ में इतना जरूरी है जिसमें हम बहुत कम प्रीमियम पे करके मैक्सिमम कवरेज ले सकते हैं। आइए पहले समझते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है। व्हाट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये समझना हमारे लिए भी जरूरी है, एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए भी जरूरी है और एक कस्टमर के लिए भी जरूरी है जो अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहा है। जब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस की तो सबसे पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस आता है। देखिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है कि जिसमें हमारी लाइफ का एक अमाउंट कवरेज होता है, वो कवरेज पॉलिसी लेते समय, पॉलिसी लेने के टाइम पे ही फिक्स हो जाता है, जिसको सम एश्योर्ड बोला जाता है। वो सम एश्योर्ड फिक्स हो जाता है जिसके लिए आपको एक अमाउंट पे करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को। वो अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं वो आपको पे करना होता है जितने साल की आप पॉलिसी लेते हैं उतने साल तक। इसके साथ साथ इसमें मैच्योरिटी पर कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है, यानी कि अगर आप 20 साल की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसमें आपको 20 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 20 साल के बीच में अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जितना भी उसने इंश्योरेंस कवर लिया, जितना भी उसने पॉलिसी लेते समय सम एश्योर्ड डिसाइड किया था, वो सम एश्योर्ड उनके नॉमिनी को मिल जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जीवित है, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योरिटी पर कोई पैसा नहीं मिलता है। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस जिसमें आप प्रीमियम पे करेंगे, जिसमें आपको एक सम एश्योर्ड फिक्स कर दिया जाएगा कि ये सम एश्योर्ड आपको मिलेगा डेथ होने के केस में। सिर्फ डेथ केस में ही इसमें पैसा मिलता है, मैच्योरिटी पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। जैसे बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, LIC की एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं, उसमें मैच्योरिटी पर भी पैसा मिलता है और साथ साथ उसमें आपका रिस्क कवर भी होता है, यानी कि डेथ होने पर भी पैसा मिलता है, लेकिन उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। वहीं पर अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको बहुत कम प्रीमियम पे करना पड़ता है और आज की डेट में इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहां पर आप कंपेयर करके पॉलिसी ले सकते हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब बात आती है कि पॉलिसी लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप पॉलिसी लेने जाते हैं, आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं ऑनलाइन कि आपको बताया जाता है कि 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस आप बहुत कम रेट पे ले सकते हैं, लोएस्ट रेट पे, राइट? क्या हमें रेट देखकर ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए कि प्रीमियम कम है तो हमें इस इंश्योरेंस पॉलिसी में जाना चाहिए? अगर किसी पॉलिसी का प्रीमियम कम है तो क्या हमें उस पॉलिसी को खरीद लेना चाहिए? मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। पॉलिसी लेते समय आपको प्रीमियम नहीं देखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो प्रीमियम देख के पॉलिसी ले लेते हैं लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन को नहीं पढ़ते हैं कि उस पॉलिसी में क्या चीज कवर है और क्या चीज कवर नहीं है। तो
तो जब भी आप कोई पॉलिसी लें तो दो बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहला, प्रीमियम तो चलो देखना है ही, आप सभी प्रीमियम जहां पर आपको ठीक लगेगा वो आप पॉलिसी लेंगे, लेकिन प्रीमियम के साथ साथ आपको क्लेम सेटलमेंट रेशो भी देखना है, क्लेम सेटलमेंट रेशो। दूसरा आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड, नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड, नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड, राइट। पहले आपको क्या देखना है पॉलिसी लेते समय, क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है, यानी कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है, यानी कि उस कंपनी ने कितने क्लेम पास किए हैं। दूसरा, नंबर ऑफ क्लेम सेटलमेंट या फिर अमाउंट, या नहीं मैं तो कहूंगा एंड अमाउंट ऑफ क्लेम जो दिए हैं, यानी कि कितने अमाउंट का क्लेम कंपनी ने दिया है। अब मान के चलते हैं, इसमें भी एक चीज कहीं ना कहीं आती है कि अगर एक कंपनी है, ये कंपनी है मान के चलो एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड कंपनी है जिसने, जिसके पास मान के चलते हैं 1000 कस्टमर हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, 1000 कस्टमर कंपनी के पास हैं। इस कंपनी ने मान के चलते हैं 990 लोगों को दिया हुआ है टर्म इंश्योरेंस जिसका कवरेज है 25 लाख, और 10 लोगों को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 करोड़। समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, खासकर इंश्योरेंस एडवाइजर और कस्टमर भी। एक कंपनी है एक्स वाई जेड, अगर उसके पास 1000 कस्टमर्स हैं, उन 1000 कस्टमर्स में से कंपनी ने 990 लोगों को 25 लाख का कवरेज दिया हुआ है और 10 लोगों को 10 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दिया हुआ है, तो कंपनी अपना क्लेम सेटलमेंट रेशो बनाने के लिए यहां पर रिजेक्शन करना चाहेगी, यहां पर रिजेक्शन करना चाहेगी कि अगर क्लेम रिजेक्ट हो तो 10 करोड़ का क्लेम रिजेक्ट हो, राइट। वो चाहेगी कि 25 लाख का क्लेम पास हो जाए, क्योंकि कंपनी का कहीं ना कहीं क्लेम सेटलमेंट रेशो भी बढ़ता है। तो हमेशा क्लेम सेटलमेंट रेशो भी देखना है और आपको अमाउंट सेटलमेंट रेशो भी देखना है और नंबर ऑफ क्लेम सेटल कितने किए कंपनी ने ये भी आपको देखना होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें किस एज तक अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, टर्म पॉलिसी किस एज तक लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो 80 साल तक कवर देती है, 80 इयर्स तक, राइट, और कुछ कंपनियां हैं शायद जो 85 इयर्स तक भी कवर देती है। तो क्या हमें मैक्सिमम ड्यूरेशन का टर्म पॉलिसी लेना चाहिए? अब 30 साल का कोई व्यक्ति है जिसका 5 साल की बेटी है जिसकी, तो ये कब तक का इंश्योरेंस कवर ले, इसको इंश्योरेंस कवर तब तक का लेना चाहिए जब तक इसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, राइट, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अगर हम लंबे समय का इंश्योरेंस कवर लेंगे तो यहां पर हमें प्रीमियम भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, राइट। रेस्पॉन्सिबिलिटी कब तक इसकी पूरी होगी, 5 साल की अगर बेटी है, ठीक है, और बेटी की शादी हो जाएगी कब से, 25 साल पे हो जाएगी शादी, 25 या 27 या 28 साल, मैक्सिमम 30 साल लगा लीजिए, 30 इयर्स तक बेटी की शादी हो जाएगी, यानी कि पढ़ लिख भी लेगी और शादी भी हो जाएगी, तो यानी कि 30 साल एज है, बेटी की एज 5 साल है, और 30 साल जब बेटी की जो होगी तो तब तक उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो यानी कि अगले 25 साल तक उसकी जिम्मेदारी रहेगी, तो उसको कब तक का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, 25 साल तक का, नेक्स्ट 25 इयर्स तक का, राइट। समझ आया मेरा पॉइंट, अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, राइट, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक के बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं इंश्योरेंस एडवाइजर से, जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप टर्म पॉलिसी कस्टमर को समझाने के लिए जाते हैं तो क्या आप कस्टमर को ये चीजें बताते हैं जो मैंने आपको बताई, कि पॉलिसी लेते समय आपको क्लेम सेटलमेंट रेशो का भी ध्यान रखना चाहिए, नंबर ऑफ क्लेम कितने सेटल्ड किए इसका भी ध्यान रखना चाहिए, और अमाउंट ऑफ क्लेम कितना सेट किया उसने, सेटल्ड किया है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्या आपने आज तक
अपने कस्टमर को ये चीज बताई है? कमेंट करिएगा यस और नो में, राइट। अब बात आती है कि अगर भाई, क्योंकि आज की वीडियो हमारी है LIC टर्म इंश्योरेंस के बारे में, 1 करोड़ का LIC टर्म इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 1 करोड़, राइट। तो हम समझते हैं कि अगर LIC में, एक एग्जांपल लेकर समझेंगे कि अगर एक व्यक्ति LIC का जीवन अमर प्लान लेता है 1 करोड़ का, तो उसका प्रीमियम कितना होगा, उसका प्रीमियम कितना होगा? मान के चलते हैं एक व्यक्ति है जिसकी एज है 30 इयर्स, कितनी एज है 30 साल, वो 30 साल के लिए टर्म, 30 साल की टर्म लेता है 30 इयर्स की, कवर कितना लेता है, वो सम एश्योर्ड कितना लेता है 1 CR, 1 करोड़ का टर्म प्लान लेता है LIC जीवन अमर प्लान, राइट। और ये स्मोकर नहीं है, नॉन स्मोकर है, नॉन स्मोकर, स्मोकिंग नहीं करता है, तो इसका प्रीमियम कितना होगा? इसका प्रीमियम होगा LIC जीवन अमर प्लान में, प्रीमियम होगा, इसका जो प्रीमियम होगा वो होगा 21,417 पर ईयर, 1 साल का प्रीमियम होगा ये। इसको ये चाहे तो हाफ ईयरली मोड पर भी पे कर सकता है, तो 10,923 का हाफ ईयरली प्रीमियम होगा, 10,923 हाफ ईयरली। अब आप खुद बताइए कि अगर 10,000 रुपए हाफ ईयरली, यानी कि अगर साल का 20,000 रुपए पे करके, साल का अगर 21,000 रुपए पे करके 1 करोड़ की गारंटी मिल रही है कि 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर है, यानी कि कल अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो क्या इसमें कोई बुराई है? क्या हमें उसमें नहीं जाना चाहिए? हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें ना चाहते हुए भी पैसा खर्च कर देते हैं, ऐसी चीजों में बचत करके, ऐसी चीजों में पैसा इन्वेस्ट ना करके, कहीं ना कहीं हमें अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस में जरूर जाना चाहिए। पॉलिसी लेने से पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं LIC का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं, बट हाँ, ये वीडियो LIC जीवन अमर पॉलिसी के बारे में थी, जिसमें मैंने आपको जीवन अमर प्लान के बारे में बताया और आपको साथ में ये भी बताया कि पॉलिसी लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो पॉलिसी लेते समय आप अगर स्मोकर हैं तो स्मोकर लिखें, और अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो नॉन स्मोकर जरूर लिखें, आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल लिखें, हर एक चीज, कोई भी चीज कंपनी से छिपाने की कोशिश ना करें। तो अगर आपको हमारा वीडियो आज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को जरूर, हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी शुभकामनाएं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ भी है और आप लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ में भी है, कि आप जरूर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेके अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।